बना अला अर्दन सवक़ल لا अकसद وقيل लास्खो वकील वतवा यूं कहते हैं कि इमारत तो है किसी और की और इम... ज़मीन है किसी और की अब आपकी इमारत है और ज़मीन जैद की है ऐसा होता है कि बसा औकात किसी की जमीन किराए पर लेकर और उस पर बिल्डिंग बना ली जाती है तो आपने अपनी जमीन वक्फ कर दी खाली नहीं आपने अपना मकान वक्फ कर दिया जमीन वक्फ नहीं है तो ऐसी सूरत में खाली मकान का वक्फ करना ये शे मनकूल का वक्फ करना है इसलिए कि जब जमीन आपकी अपनी नहीं होगी तो सिर्फ मकानियत का ईंटों का मलबे का वक्फ करना पाया जाएगा तो तामीर का वक्फ करना बगैर जमीन के ये शे मनकूल का वक्फ करना है और शे मनकूल का वक्फ करना मुतकदमी के यहाँ दुरुस्त नहीं था लेकिन ये कहते हैं औकाफ में इस मलबे का भी फायदा है कम से कम इस मलबे ही का तसद हुआ अब दो सूरते हैं ये वक्फ़ दुरुस्त हो जाएगा जमीन के मालिक से या तो आप जमीन किराए पर ले लें और फिर अवकाफ की मद में उसको इस्तेमाल करते रहें इमारत आपकी अवकाफ की हो ही गई और या अपने अवकाफ की इमारत जमीन वाले को किराए पर दे दें तो आपको कुछ मिरा, किराया मिलता रहेगा और अगर दोनों सूरतों पर जमीन का मालिक राजी ना हो तो ऐसी सूरत में फिर ये मलबा यहां से औकाफ़ में दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए वहां पर यह कारमद हो जाएगा कुछ ना कुछ फायदा इसका जरूर होगा तो बना अला अर जमीन के ऊपर इमारत बनाई सु वफल बिना आ फिर सिर्फ इमारत को वक्फ कर दिया बिल इस्तिकलाल, इसखलाल मुस्तक मकान मकान को तामीर तामीर को भी निहा बगैर जमीन के इनिल ममलू कतन, अगर जमीन किसी की मिल्कियत है तो ये वक्फ करना शे मनकूल का होगा जो दुरुस्त होता लायसे वकीला और कहा गया कि सही है क्यों कहा गया इसलिए के मुतकदमीन के यहाँ शे मनकूल का वक्फ दुरुस्त हो गया वह अलहिल फतवा और इस कीला के ऊपर ही फतवा है सुइला कारी उल हिदाया अन वक्फिल बिना वलगरासी बिला अरदिन कारी उल हिदाया से सुल किया गया इमारत और दरख्तों के बगैर के वक्फ करने के बारे में इमारत, इमारत वक्फ की या सिर्फ पेड़ वक्फ किए तो ये दुरुस्त होगा या नहीं शे मनकूल का वक्फ है फाजाबा अल फतवाहती दलिक उन्होंने जवाब दिया कि फतवा इसके दुरुस्त होने पर है वरजहु शारिहुल वहबानिया व अकर्रहुल मुसन्निफ और शार बानिया ने इसको तरजीह दी है और मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इसी को साबित रखा मुअल्लिलन ये इल्लत बयान करते हुए बे अन्नहु मनकूलुन फीही तामुलुन के ये शेय मनकूल का वक्फ है और इसमें लोगों का तमुल है फैतन इफ्ता तो इसी पर फतवा देना मुतयन है इन बिना उलहू जाजा इजमान। इसी की दूसरी शक्ल पहली सूरत तो ये थी कि जमीन किसी की है और इमारत किसी की या पेड़ किसी के और उन्होंने सिर्फ इमारत या जमी या पेड़ वक्फ किए जमीन वक्फ नहीं की दूसरी सूरत जमीन पहले से उठा जमीन पर मकान बना हुआ है आरिफ साहब का पहले जमीन जामिया के लिए वक्फ कर दी ये वक्फ जमीन का है गैर मनकूल का है मुतकदमीन के यहां भी जायज है और फिर उठाकर इमारत को उसी जहत पर यानि जामिया ही के लिए वक्फ कर दी तो ये शे मनकूल का वक्फ है लेकिन जमीन के ताबे होकर शे मनकूल का वक्फ दुरुस्त है मुतकदमी के यहाँ भी दुरुस्त है व इन मौकूफतन और अगर ये इमारत वक्फ की नहीं, अगर जमीन वक्फ है व इन मौकुफ़ता ऊपर कहा इनिल अर्दु ममलूकतन यहाँ व अर्दु मौकुफन और अगर जमीन वक्फ है अला मा बिना उलहू उसी जेहत पर जिस जहत पर इमारत को वक्फ होने की हैसियत से मुतन किया गया जाजा, तो ये जायज़ है ताबे होकर जमीन के यानी ये भी शय गैर मनकुल ही का वक्फ हो गया और उसका वक्फ सबके नजदीक दरुस्त है मुतकदमीन के नजदीक भी मुताखीरीन के नजदीक भी वइनिल अर्दु लिजेहतिन उखरा फमुख्तलफुन फीही सेहतु ये तीसरी शकल जमीन पहले से वक्फ है मस्जिद के लिए और अब उस पर इमारत बनाई और वो वक्फ कर दी मदरसे के लिए या पहले ही इमारत बना ली और जमीन तो वक्फ कर दी मस्जिद के लिए और मकान जो ऊपर बना हुआ है वो वक्फ कर दिया मदरसे के लिए तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे मस्जिद वालों से मुताकिन के नजदीक शेमन का वक्फ है दरुस्त हो जाएगा अब क्या करें मस्जिद वालों से मामला करें या तो वो मदरसे की इमारत किराए पर ले लें और जमीन उनकी है ही या मस्जिद वाले अपनी जमीन मदरसे वालों को किराए पर दे दो इमारत उनकी है ही तो ऐसी सूरत में वो फायदा उठा लें या वो फायदा उठा लें जिसकी जरूरत हो और अगर दोनों सूरतें नामुमकिन हों तो ऐसी सूरत में मलबा मदरसे वाले मदरसे की तरफ मुंतकिल कर लेंगे व इनद और अगर जमीन किसी दूसरी जेहत के लिए वक्फ है तो फ मुख्तलफ उनफी सेहतो तो इसमें सेहत में, में इख्तलाफ है कि ये दुरुस्त होगा वक्फ या नहीं वह सही अहत सही कौल ये है कि वक्फ दुरुस्त हो जाएगा कमाफिल मंजूमतिल मुहिबिया वसुइला इब्नु नुजाइम अन वक्फिल अश्चारी بلا अर्दिन इसी को मुअक्कद करते हुए आगे मजीद हवाला बयान करते हैं कि इब्ने नुजाइम से सवाल किया गया कि अगर कोई पेड़ वक्फ कर दे बगैर जमीन के फाजा यसीहु लबिल उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करना खाली का वक्फ करना दुरुस्त है अगर जमीन पहले से वक्फ है यानी जमीन चाहे इसी जेहत पर वक्फ हो या दूसरी जेहत पर वक्फ हो वाकफ चाहे गैर वाकिफ के लिए हो यानी जिसने ये जमीन वक्फ की वो कोई और हो और जिसने ये पेड़ वक्फ किए वो कोई और हो

यानी ऐसी जमीन में जो ममन है ऐसी जमीन में अगर किसी शख्स ने इमारत बना ली और या पेड़ लगा लिए तो उसका क्या हुक्म है वकफ अर्ज़ मक्रा अगर किसी ने पेड़ लगाए या इमारत बनाई तो उस इमारत को वक्फ करना या उन पेड़ों को वक्फ करना दरख्तों को वक्फ करना या उनको बेचना दोनों मालिकाना तस तसरू, तसरुफ हैं चाहे बेचे ये भी मालिकाना तसरुफ है और चाहे वक्फ करे ये भी मालिकाना तसरुफ है सूरत यह होती है जैसे मदरसा है मलियाफ्ताब का बड़ा सा मदरसा है खाली जमीन पड़ी हुई है लेकिन मदरसे की जमीन ये बेच नहीं सकते अर्जे मुहतकरा है तो इस जमीन के अंदर इन्होंने तौर पर इमारत बना ली ऐसा लेते मुफ्ती मदरसे हैं, अरसे के पास नहीं इन्होंने अपनी इमारत बनाई और अपना रहने लगे तो वहीं पढ़ाते हैं वहीं रहते हैं फिर ये जब जाएंगे कभी तो अपनी इमारत को उठा लेंगे लेकिन उस इमारत को मदरसे ही को बेच दें उस इमारत को किसी और को बेच दें उस इमारत को मदरसे के लिए वक्फ कर दें तो वक्फ करना दुरुस्त हो जाएगा वहल यजूज वक्फुल मरहूनति अविल मुस्तरती एन मरहूना का वक्फ करना आपको पांच लाख रुपए की जरूरत थी आपने अपनी जमीन जैद के पास रहन रख दी और पांच लाख रुपए ले लिए लेकिन जो जैद के पास जमीन रखी हुई मिलकियत तो वो आप ही की है लिहाजा अगर आपने उसको वक्फ कर दिया तो उसको वक्फ करना दुरुस्त है या आपका मकान है या जमीन है आपने किराए पर दे रखी है लेकिन मिलकियत आपकी है आप अगर उसको वक्फ करना चाहें तो वक्फ करना दुरुस्त हो जाएगा नाम उन्होंने फतवा दिया कि हाँ ऐसा वक्फ करना दुरुस्त है वफी बजाजियती इज़ारतिन वक्फुलबिना इज़ाज़तिन इमारत का वक्फ करना जो आर्यत की जमीन में बनी हो आपने किसी की जमीन मांग ली एक साल रहने के लिए और उसमें आपने कोई इमारत बना ली तो उस इमारत को वक्फ करें ये शे मनकूल का वक्फ है जमीन किसी और की है और इमारत आपकी है मुतकदमीन के यहाँ शे मनकूल का वक्फ दरुस्त नहीं या आपने किसी की जमीन किराए पर ली और उसमें इमारत बना ली तो जमीन मालिक की है और इमारत आपकी है आपने इमारत वक्फ कर दी तो ये शय मनकूल का वक्फ है मुतकदमी के नजदीक जायज नहीं वही कौल नकल किया यहाँ पर कि बस जा में है कि इमारत वो इमारत वक्फ करना जो आरियत या किराए की जमीन में बनी हो वो दुरुस्त नहीं है متاخرين كيها يبي جايزه. واما الزياده في الارض المحتكره ففي المنية حانوت لرجل في ارض وقف فابى صاحبه ان يستاجر الارض باجر المثل. ان العماره لو رفعت تستاجر باكثر مما استاجره امر برفع العماره وتؤجر لغيره. व इला तु ती कल अजरी व मिसलुफिल बहरी ये यहां से एक मसला ये बयान करते हैं कि अवकाफ की जमीन है जैद ने वो जमीन किराए पर ले ली सड़क के किनारे एक जमीन थी और वो जमीन जैद ने किराए पर ले ली उसमें झुग्गी डालकर झोपड़ा डालकर और जनाब चाय का होटल बना लिया चल रहा है होते 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 फिर उसने उसमें वक्त की इजाजत से एक दुकान बना ली दुकान बनाने में मसलन दो लाख रुपए खर्च हो गए तो ये अर्ज अर्ज है ये औकाफ की जमीन है इसको बेचना दुरुस्त नहीं है तो वक्फ की जमीन है और दुकान खुद जैद की है किराया जमीन का कितना था वक्फ की जमीन है जैद ने औकाफ से वो जमीन किराए पर ले रखी है किराया कितना था एक हजार रुपये महीना अब जब इसने दुकान बना ली और वो चल पड़ी तो अब यहां और भी दुकानें बनने लगी अब इस जमीन का किराया बढ़ गया पंद्रह सौ रुपये हो गया थोड़े दिन में जो है दो हजार रुपये हो गया तो ये जो पंद्रह सौ रुपये या दो हजार रुपये किराया हो गया क्या फी नफसी ही जमीन का किराया बढ़ गया या दुकान की वजह से इसमें इजाफा हुआ अगर दुकान की वजह से इसमें इजाफा हुआ खाली जमीन होती तो कोई इतने किराए पर ना लेता तो खाली जमीन तो हजार पर ही जाती तो ठीक है फिर इसी पर चलने दें लेकिन अगर लगता है कि खाली जमीन में भी इजाफा हो गया तो अब उससे कहा जाए कि भाई किराए में इजाफा कर दुकान किसकी है खुद जैद की जमीन किसकी है अवकाफ की तो जैद से कहा जाएगा कि किराए में इजाफा कर पंद्रह रुपए रुपये अब मार्केट रेट है लिहाजा पंद्रह सौ रुपये किराया अदा कर अगर वो किराया बढ़ा लेता है पंद्रह रुपए रुपये देता है तो सुबहान अगर वो किराया बढ़ाने से इनकार करता है यू कहता है मैं तो एक ही हजार रखूंगा या बढ़ना चाहिए था पंद्रह होना चाहिए था पांच बढ़कर वो सिर्फ सौ रुपए बढ़ा रहा है यानी काबिल कदर इजाफा नहीं कर रहा है हा 1400 1300 तेरह कर दे तो चल जाएगा उन्नीस बीस मार्केट में चलता है लेकिन वो बढ़ाता ही नहीं है पचास सौ रुपये बढ़ा रहा है तो अब देखा जाएगा कि फायदा औकाफ का किस सूरत में है एक सूरत यह है कि ये इमारत उससे कहा जाए कि अपनी इमारत को उखाड़ ले दुकान तो उसने खुद ने बनाई थी तो अपनी इमारत को उठा ले और हमारी जमीन खाली कर दे अब ये खाली जमीन हमारी किराए पर जाएगी पंद्रह सौ रुपए पर तो फायदा हो जाएगा पांच सौ रुपए का तो उससे कहा जाएगा कि इमारत को उखाड़ कर ले जा अपनी हमारी जमीन खाली कर और अगर अंदाजा ये है कि अगर इसने दुकान हटा ली यहां से मलबा अपना उठा के ले गया खाली जमीन रह गई तो फिर ये हजार से भी नीचे पर या हजार पर ही किराए पर जाएगी खाली जमीन तो फिर इससे क्या हासिल हुआ फिर जू का तू मामले को अभी रहने दिया जाएगा और उसी से जितना किराया मिल रहा है वो लिया जाता रहेगा इजाफा कर देना अर्ज महतक में जो अनफा वक्फ हो वो सूरत इख्तियार की जाएगी इजाफा कर देना अर्ज महतक में तो उसकी शक्ल यह है मुनिया में लिखी है कि हानत लिरजुलिन किसी आदमी की जमीन है फी अर्जी वक्फिन और वो वक्फ की जमीन में है ये अर्ज मुहत है बेच नहीं सकते फाइबू उस जमीन के उस दुकान के मालिक ने इनकार कर दिया कि वो उजरत मिथली पर जमीन को किराए पर ले जमीन तो पहले से किराए पर ले रखी लेकिन अब इसकी उजरत मिथली बन गई पंद्रह सौ रुपये पहले इसने ले रखी थी एक हजार पर इमारतरुफियात इमारत की बनाई हुई है अगर इमारत उठवा दी जाए उखड़वा दी जाए अक्सर ही जमीन को उस किराए से ज्यादा पर दे दिया जाएगा जिस पर इसने ले रखी है मीरा बेरफियली इमारती तो इमारत के उखाड़ने का हुक्म किया जाएगा वह तु जर और दूसरे को किराये पर दे दी जाएगी जो ज्यादा किराये पर ले रहा वह इल्ला और अगर उजरत मिसली दुकान उखाड़ने के बाद नहीं मिल पाएगी तो अजरी फिर उसी उजरत पर उसी के हाथ में छोड़ दी जाएगी वह मिसल फिलीही लोजीदा अलही इन इजारत मुशाहरतन तफसुख इंदरा सी शहरी ثم إن زر رفع البناء لم لم يرفع وإن يزر لو زيد عليه، अगर इसी दुकान के किराए में इजाफा कर दिया गया कर दिया गया क्या आपने तो किराय पर दे रखी थी जमीन औकाफ़ की एक हजार पर एक साहब आए और कहने लगे मैं इसको पंद्रह सौ रुपए पर किराए पर लेता हूँ तो जीदा अलह ही इसमें किराए पर इजाफा कर दिया गया इन इजारत मुशाहरतन दो सूरते हैं या तो दुकान इसको दे रखी है जमीन इसको दे रखी महीना महीना के किराए पर और यह दे रखी सालाना किराए पर अगर महीने पर दे रखी तो हर महीने इजारा खत्म हो जाता है तब सुख इंदरा सी शहरी तो उस महीना शुरू होने पर यह किराए किराएदारी इसकी फस्क हो जाएगी फिर फस्क जब इसकी किरायेदारी हर महीने हो रही है तो महीने पर देखा जाएगा इन रफोल बिना ये अगर इमारत का उखड़वाना मुजिर है यानी अब एक हजार रुपये किराया आ रहा उसके दुकान बनाने की वजह से और अगर दुकान उखड़वा दी तो फिर हजार भी नहीं आएगा तो लम्बरफा तो फिर दुकान को उखड़वाया नहीं जाएगा वह इलम यजुर्रा और अगर मुजिर ना हो यानी अभी जमीन का किराया आ रहा है औकाफ़ को हजार रुपए और दुकान इसकी हटवा दी तो भी जमीन का किराया पंद्रह सौ आ जाएगा रूफिया तो फिर इस दुकान को उखड़वा दिया जाएगा तीसरी एक शक्ल ये है कय्यम मुस्ताजिर इस किराएदार जो औकाफ़ की जमीन में किरायेदार है जैद इसकी रजामंदी से जो इसका अवकाफ का मुतवली है वो उसका मालिक हो जाए यानी दुकान को दो लाख रुपए की है ढाई की है उस दुकान को मुतवली खरीद ले दूसरा आदमी जमीन का माकूल किराया नहीं दे पा रहा है मुतवली खरीद कर और फिर वो उस जमीन को दुकान को दोनों को किराए पर दे दे और जो बकदरे दुकान हो वो अपने पास रख ले और जो बकदरे जमीन हो वो में जमा कर दे यानी दूसरे आदमी पर एतमाद नहीं खुद पर तो एतमाद रहेगा फिल्मा और अगर वो जैद अपनी दुकान इसको बेचता ही नहीं मुतवली को तबका तो फिर जू की तू उसके हाथ में बाकी रहेगी इलाखलूसा मिल्क हो यहाँ तक के उसकी मिलकियत अलग हो जाए यानी औकाफ की जमीन अलग हो जाए और वो अलग हो जाए बकिया लौ इजारत हुआ और बाकी रह गई एक और शकल अगर किराया सालाना हो अब शवाल ही में रेट बढ़ गया या मुहर्रम ही में रेट बढ़ गया अब चाहेगा जिल हिजा तक तो अव मुद्दतन तबीलतान या कई कई साल के लिए मुद्दत तवीला के लिए जमीन किराये पर दे रखी हो वह लातकबलु ला ज्यादता और जाहिर यह है कि ये इजाफे को कबूल नहीं करता यानी आपने उसको एक हजार रुपये महीना पर दी जमीन किराए पर एक साल के लिए या दो साल के लिए तो अब कोई आके कहने लगे कि हम तो आपसे ले लेंगे पंद्रह सौ पर लातकबल ज्यादता अब मामला उससे आपने किया है तो उसके साथ जो मुद्दत मुतयन की उस मुद्दत तक मामला बाकी रहेगा दफान लिस्ट जरर या ही ताकि उसको जरर ना हो आज दो लाख रुपए की उसने दुकान बनाई कल आप कहने लगे दुकान उखाड़ के ले जा जब उखाड़ेगा तो कितने की बचेगी पच्चीस हजार की वाला और वक्फ का कोई जर्र नहीं उनकी जमीन उन्होंने सोच कर किराए पर दी है उनको किराया मिलता रहेगा लेना ज्यादत कानत भी सब सबनाई आपकी औकाफ़ की जमीन वो तो उतने ही किराए पर जाती अब जो दो हजार किराया दिखने लगा पंद्रह सो दिखने लगा वो तो उसके इमारत बनाने की वजह से है लज़ियादतु फी नफसिल अर्दी नफ्स जमीन के किराए में कोई इजाफा नहीं हुआ इंतहा व अमल व अम्मा वक्फुल इकताआती और जागीरों का वक्फ करना ला यजूजु इल्ला इदा कानतिल अर्दु मवातन ये जायज नहीं जबके जमीन इल्ला ये के जमीन बंजर हो और मिलकन लिल इमाम या बादशाह की मिलकियत हो फिर रजुलन और फिर उसने किसी को पट्टे काट कर दे दिया हो क्या शकल है शकल ये है कि पहले बादशाह लोग किसी किसी को जमीन बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दिया करते थे तो औकाफ की जमीन है वजीर अवकाफ बन गए आफ्ताब साहब इन्होंने अपने साले को दे दी थोड़ी सी जमीन सौ बीघे साले को दे दी सौ बीघे बहनोई को दे दी तो इस तरह जो है इन्होंने ये ज़मीनें लोगों को दे दी अब वो उस जमीन में से कुछ वक्फ करते हैं तो ये जमीन तो पहले से औकाफ की है और साले और बहनोई पे इसको तकसीम कर देना ये भी जायज नहीं था तो ये जमीन पहले से वक्फ है पहले से औकाफ की है इसमें अगर वो शराइ लगाते हैं तो उनकी शराइ का और उनके वक्फ का एतबार नहीं होगा जो वापस औकाफ में आ गई सुबह अल्लाह ये नहीं कि वो बातिल हो जाएगी वो तो जमीन पहले से वक्फ की है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बंजर जमीने पड़ी हुई थी या बादशाह ने औकाफ से खुद वो जमीने खरीद ली थी और फिर उन जमीनों को जरूरतमंद लोगों को दे दिया गया गाँव में देहातों में पट्टे काट कर जमीने दे दी जाती है देखा कि कोई गरीब आदमी है पचास गज सौ गज का टुकड़ा काटा और उसको रिहाइश के लिए हुकूमतें देती है इसी तरीके से उनके पास खाने पीने का नज्म नहीं बंजर ज़मीनें पड़ी हैं औकाफ की या बादशाह की अपनी मिलकियत है वो उठाई और दस दस बीघे सबको दे दी दस आदमी गरीब थे सौ बीघे जमीन सबको दस दस बीघे करके दे दी कि वो खेती करते रहे और खाते रहे तो फिर ये उनको देना दुरुस्त हो गया और जब वो इसको वक्फ करेंगे तो औकाफ का माल औकाफ में वापस आ जाएगा वह अम्मा वक्फुल इखताती और जागीरों का वक्फ करना तो अनहरुलफाइक में है कि ये दुरुस्त नहीं दरुस्त नहीं कि क्या माना जमीन अवकाफ की थी औकाफ की उनके पास थी वापस उन्होंने वक्फ की औकाफ में आ गई तो उनकी तरफ से वक्फ नहीं हुई कि उनके शराइत को इसमें मलहूज रखा जाए अलाद मवा अल्ला के जमीन बंजर हो या बादशाह की मिल्कियत हो रजुलन और फिर बादशाह ने उसके काट कर, जागीर बना कर किसी को दे दिया हो फिर वो उसको वक्फ करता है तो ये वक्फ करना दुरुस्त होगा वह अगलब अवकाफिल उमरा इबरा और मिस्र में अक्सर बादशाहों के औकाफ़ इसी तरह के हैं हुआ वो है। हा वो उनको मबी बना लेते हैं सूरतन मिन वकीली बैतलमाल माल के वकील से वो अपने तौर पर उसकी कीमत अदा करके खरीद लेते हैं और फिर उसको गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं वफिल वहबानियती वलव वक़्त सुल्तान मुंबई मालिना ये कहते हैं बादशाह किसी को भी बंजर जमीन है ज़रूरत नहीं है औकाफ़ को वो ज़मीन जो है किसी को बोने खाने के लिए या रहने के लिए दे देता है तो इस तरह औकाफ की जमीन में तसरुफ करना गरीबों और जरूरतमंदों को देना ये दरुस्त है या नहीं दरुस्त है कहते हैं वल्ल व सुल्तान मुंबई तिबीना अगर हमारे या मुसलमानों के बेमान से बादशाह ने जमीन वक्फ दी तो वक्फ करना जत पर भी हो और उसके अलावा पर भी होगा तो वक्फ करना दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा उसको कहते हैं कि मत। कभी कभी एक आम मसलहत और जरूरत के लिए बादशाह वक्फ करता है औकाफ़ की जमीन दे देता है स्कूल के लिए दी मदरसे के लिए दी ये दे जायज है व्यु उजरो और अगर बादशाह तरागे करता मदर से स्कूल मुसाखाने लियो का की ज़मीता है तो इस पर रोशन लेगा। तू तो शरीन बुलाव कर यसिदनुहु बिदले और ऐसे ही इजाज़त देना ना की दरुस इनफ़हत आवता लासुल्हन देखो किसी इलाके को मुसलमान के तो फतेह करना दो तरह से होगा या तो आप गए और आपने इस्लाम की दावत दी और अपनी हुकूमत कायम की लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया तो अगर लोगों ने बगैर झगड़े के तस्लीम कर लिया तो लोगों की जमीन उन्हीं की रहेगी वो किसी भी धर्म के लोग हों उनकी जमीन उन्हीं की रहेगी लिहाजा उसमें कोई आप या आपका बादशाह मालिकाना तसरुफ नहीं कर सकते लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया फिर जो है ग़ज़वा हुआ और उस ग़ज़वे में अनवतन कहरो गलबे की बुनियाद पर आपने उस इलाके को फतह कर लिया तो वो जमीन फिर मुसलमानों की मिलकियत हो गई अगर बादशाह उसमें से ज़मीन में से कुछ हिस्से को मस्जिद बनाता है कुछ को मदरसा कुछ को मुसाफिर खाना तो ये दुरुस्त होगा वह कदा यसन हो इजनु और ये इसी तरह दुरुस्त है बादशाह का इस चीज की इजाजत दे देना अम्मत की इन फतिहात अनवत अगर कहरो गलबे की बुनियाद पर वो इलाका फतह हुआ ला सुल्हन और अगर सुलह के तौर पर फतह हुआ तो फिर तो वो जमीन उनकी खुद की मिलकियत है इसके इजाजत देने के कोई माना नहीं लिबका इमिल की मालिक यहाबल तो ऐसे ही मालिकों की मिलकियत बाकी है जैसे फतह से पहले मालिकों की मिलकियत बाकी थी